हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी को लेकर के। तो टैली प्राइम की बात कर रहे हैं हम, और टैली प्राइम में हम जीएसटी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हम डिस्काउंट भी देखेंगे कि डिस्काउंट ऑप्शन हम कैसे इनेबल करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक कंपनी बनी हुई है महादेवा इंटरप्राइजेस के नाम से। ये हमारे स्टूडेंट हैं, बार बार गलती कर देते हैं। महादेवा इंटरप्राइजेस की जगह इंटरप्राइजेस लिख दिया इन्होंने, तो इसको सही करना है। अब इसको अल्टर हम कैसे करें, कंपनी को कैसे अल्टर किया जाए, इसके भी बारे में बात करते हैं। तो यहां हमें आना है, यहां पर कंपनी पर F3 प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से। तो यहां F3 प्रेस करके आ गए हम, और अब हमें चलना है अल्टर कंपनी पर। तो अल्टर कंपनी पर जाइए, और ये इंटरप्राइजेस जो इन्होंने लिखा है उसको हम सही कर लेते हैं। इंटरप्राइजेस की स्पेलिंग हमने सही कर ली, कंट्रोल ये प्रेस करके चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट भी करा लिया हमने, बाहर आ जाते हैं। अब इसमें हमें जो भी करना है वो अब हमें काम करना है। तो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है वाउचर्स, ठीक है। तो हमें जाना है वाउचर्स पर, तो वी प्रेस कर देंगे तो वाउचर्स पे आ जाएंगे। अभी हम पेमेंट वाउचर पे हैं, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर पे जाना है, ठीक है। तो चलिए रिसिप्ट वाउचर पे चलते हैं। प्रेस करेंगे हम रिसिप्ट वाउचर के लिए F6, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट शो हो रहा है, तो क्रेडिट यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कितना आसान कर दिया है टैली प्राइम ने हमारे काम को। यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रेस करना है एंटर, और यहाँ पर लेजर क्रिएशन पे आप डायरेक्टली चले जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में लिखता हूँ, जो पूंजी हम निवेश करते हैं बिजनेस में उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल अकाउंट आ गया, ये अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए स्टेट सेलेक्ट करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट करा लिया। कितना कैपिटल आप निवेश कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपया निवेश कर रहा हूँ, तो यहाँ 1 लाख हमने डाल दिया। एंटर प्रेस करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में कैश, तो ये कैश कर दिया हमने। यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर दिया है अपने कंपनी में। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है अब हमें परचेजिंग करनी है, ठीक है। परचेजिंग भी करने के पहले हमें जीएसटी इनेबल करना है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F11 की प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंटर प्रेस करते हुए जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट का कॉलम मिलेगा। हमने आपको बोला था कि डिस्काउंट भी बताऊंगा, तो यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। तो अगर आप डिस्काउंट का कॉलम देना चाहते हैं अपने बिल में, तो वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस करके इसको अब यहाँ से अब जीएसटी इनेबल कर रहा हूं मैं। तो रेगुलर डीलर है हम, कंपोजिशन डीलर नहीं है। कंपोजिशन डीलर क्या होता है कि 3 महीने 6 महीने पर वो जीएसटी फाइल करते हैं, हम रेगुलर डीलर है, हम हर महीने जीएसटी फाइल करेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, इसको अभी नो रखेंगे। यहाँ पर जीएसटी इनेबल कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 से। जीएसटी आईएन नंबर जो कि आपके पैन कार्ड से मिलता जुलता एक नंबर होता है, वो यहाँ पर आप डाल दें, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो टैली इसे वेरीफाई करेगा। एंटर प्रेस करेंगे, मंथली हम जीएसटी फाइल करेंगे, क्वार्टरली हमें फाइल करने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ पर अभी ईवे बिल को नो रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर वाई प्रेस करूंगा अल्टर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम्स, ठीक है। HSN कोड का कॉलम एक्टिवेट कर रखा है हमने, ठीक है। आप चाहे तो इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से F12 की प्रेस कीजिए, ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। फिलहाल एक्टिवेट ही रखना है, अगर यहाँ F प्रेस कर देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सारे जीएसटी के हमें जो CGST है यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे होते हैं। तो आपको इंटर इंटर प्रेस करके और यहाँ शो ऑल जीएसटी इस ऑप्शन को वाई प्रेस करके और एंटर प्रेस कर देना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको शो होने लगेंगे। अगर आप इसको नो रखेंगे तो कुछ ऑप्शन शो होंगे, कुछ ऑप्शन आपको नहीं शो होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए केवल इंटीग्रेटेड और सेस टैक्स दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना है और एंटर 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 प्रेस करके यहाँ पर आना है, यानी कि शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स में, और यहाँ पर वाई प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, तो आपको सारे ऑप्शन शो होने लगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, रख देना है टैक्सेबल, ठीक है। टैली प्राइम की बात कर रहे हैं हम, टैली ERP 9 की बात नहीं कर रहे, ये टैली प्राइम ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 18% का मान लीजिए यहाँ जीएसटी लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5%, 10%, 18%, 21% या 28% के हिसाब से जीएसटी हम लगाते हैं, ठीक है, गुड्स पर। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करके इस पूरे को हम चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ इसको एक्सेप्ट कराने के लिए। ये हमने करा लिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमारी कंपनी बन करके तैयार है, और हमने इसमें जीएसटी भी इनेबल कर लिया है, इसके साथ ही डिस्काउंट भी ऑप्शन चालू कर लिया है। डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम हमने ले लिया है।
अब हमको वाउचर से एंट्री करनी है, तो परचेज वाउचर में चलेंगे। परचेज वाउचर में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है या यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, तो मान लीजिए कि ये बिल नंबर है, यहाँ पे बिल नंबर मैं दे देता हूँ 7111, ठीक है, ये बिल नंबर है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, और 1 अप्रैल 2020 को ही ये खरीदारी हो रही हो, ठीक है। अब चाहे तो कोई और डेट भी रख सकते हैं, मैं यही रख रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर आप कैश में खरीदारी कर सकते हैं, अगर कैश में करेंगे तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस बार कैश में करते हैं, तो ये कैश कर लिया हमने। यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर किस चीज के थ्रू डिस्पैच हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाएगा ये, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल इसको भी छोड़ता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर रेगुलर डीलर मैं रखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। GSTIN नंबर जो इनका होगा वो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। पहले इसको ले लेगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, तो हमें लेजर बनाना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्रिएट पे जाइए, जाना ही नहीं है, वहीं पे है कर्सर आपका, तो यहाँ पे लिख दीजिए परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज और सेल्स दोनों का लेजर बनता है। सेल्स में जाएंगे तो सेल्स अकाउंट, परचेज में जाएंगे तो परचेज अकाउंट, ठीक है। एंटरप्राइज करता हूँ, एंटरप्राइज करता हूँ। यहाँ पर अंडर परचेज अकाउंट पे इसे डालेंगे, ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से परचेज अकाउंट कर दीजिए, एंटरप्राइज कीजिए, और यहाँ पर डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो यस, अगर नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, एंटरप्राइज करता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें आइटम की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो आइटम की लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, आइटम की लिस्ट बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम की लिस्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हेडफोन परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेडफोन, ओके, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी ही रहेगा, यूनिट बनानी है तो फिर अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर यूनिट बना लीजिए। यहाँ पर आइटम कर देता हूँ मैं, ओके, और यहाँ पर फॉर्मल नेम दे देता हूँ आइटम, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर पैक्स पैकेट जो भी पीसेस जो भी आपको लेना है यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे पीसेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि हेडफोन खरीदेंगे तो आप आधा और एक हेडफोन खरीदेंगे, ऐसा तो है नहीं। आप जब भी हेडफोन खरीदेंगे तो पूरा का पूरा एक हेडफोन खरीदेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जीरो रखा है मैंने, एंटर प्रेस किया। अगर अलग से GST रेट अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं, मैं फिलहाल आपको दोनों दिखाने वाला हूँ। मैंने जो बाई डिफॉल्ट GST रेट सेट किया है वो 18% के हिसाब से सेट किया है, ठीक है। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस कर दिया, ठीक है। इसकी कीमत मैं सेम रखने वाला, जैसे मान लीजिए इसकी यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 7, ठीक है, और कीमत रख रहा हूँ 700 रुपये। और यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का कॉलम भी आ रहा है, तो यहाँ पे 0.1% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये परसेंट में डिस्काउंट आएगा। तो देखिए 4900 कीमत हुई है, अगर 0.1% का डिस्काउंट कर दिया हमने तो 4895 रुपये अपने आप आ गया कट करके, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर अब ईयरफोन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ईयरफोन, ओके, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आइटम ही रख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर अलग से जीएसटी रेट सेट कर रहा हूँ, ठीक है, और कीमत वही रखेंगे और क्वांटिटी भी वही रखेंगे जो वहां पर रखा था हमने। यहाँ पे लिख देता हूँ ईयरफोन, इसका जो HSN कोड होगा वो आप डाल सकते हैं। एंटरप्रेस किया, यहाँ पर कोई HSN कोड आएगा, मैं डमी HSN कोड डाल रहा हूँ। एंटरप्रेस किया हमने, ऑन वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, ये टैक्सेबल आप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ 18% वहाँ पे लगा था, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 21%, ठीक है, 10.5-10.5 के हिसाब से ये स्टेट और सेंट्रल में डिवाइड हो जाएगा। गुड्स रखेंगे यहाँ पे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 7 आइटम हमने परचेस किए थे, यहाँ पर 7 आइटम ही मैं दोबारा से ईयरफोन के भी परचेस कर रहा हूँ, तो कीमत सेम रख रहा हूँ 700 रुपये, ठीक है, और डिस्काउंट भी सेम ही दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट 0.10% के हिसाब से डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 4895 रुपये 10 पैसे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एंटरप्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे हम लगाएंगे जीएसटी, जीएसटी का लेजर तो हमने बनाया नहीं, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बनाता हूँ CGST, एंटरप्रेस करता हूँ। सेम स्टेट का मामला होगा तो CGST और SGST लगेगा, अदर स्टेट का मामला होगा तो यहाँ पर लगेगा IGST, ठीक है। तो यहाँ पर डी प्रेस कीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में ये जाएगा, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लीजिए। जीएसटी है ये और कुछ तो है नहीं, और ये है सेंट्रल टैक्स क्योंकि CGST है, ठीक है। तो एंटरप्रेस किया हमने, राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग रख देते हैं हम, और यहाँ पर लिमिट छोड़ देते हैं। एंटरप्रेस करते हैं, एंटरप्रेस करते हैं इसको, तो यहाँ 954 रुपये 55 पैसे CGST कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। एंटरप्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे SGST का लेजर बना लेता हूँ, SGST, तो ये SGST कर दिया हमने। एंटरप्रेस किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, GST ही है ये, और इस बार है स्टेट टैक्स, तो ये स्टेट टैक्स कर दिया हमने। नॉर्मल राउंडिंग रखा हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहाँ पे एंटरप्रेस कर दिया।
तो यहाँ पर भी 954.55 दोनों बराबर बराबर के हिसाब से आ गया है। अब अगर आपको टैक्स रेट देखना है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मोर डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं टैक्स रेट देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीजीएसटी कितना लगा है वो दिखाता हूं आपको, ये टैक्स एनालिसिस में जाना होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे नीचे टैक्स एनालिसिस दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं सीजीएसटी किस हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये सीजीएसटी की डिटेल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर 21% के हिसाब से हमने ईयरफोन पे लगाया था, तो यहाँ पे जो टैक्स लगा हुआ है वो कुल मिला के कितना लगा हुआ है, 1027.98 रुपए, और यहाँ पे 18% के हिसाब से लगाया था तो 881 रुपए लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी, बाहर आता हूँ। ठीक है, प्रेस किया हमने तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं काम। ठीक है, अब हमको मान लीजिए सेल करना है, तो सेल कैसे करेंगे, सेल करने के लिए हमें जाना होगा F8 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से प्रेस कर लेते हैं F8। ठीक है, कैश में सेल कर रहे हैं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। ठीक है, और यहां पर अनरजिस्टर्ड आ रहा है तो यहां रेगुलर डीलर लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर GSTIN नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं, एंटर प्रेस किया और यहां पर आ जाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, हेडफोन को रखेंगे पहले, तो ये हेडफोन 7 आइटम है हमारे पास, हम 6 आइटम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और एक आइटम हमने 700 का खरीदा है तो अब हम 810 का बेच रहे हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर डिस्काउंट 0.10% का रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब ईयरफोन की बात कर लेते हैं, तो ईयरफोन 7 आइटम है हमारे पास, 7 आइटम हम सेल कर दे रहे हैं और एक आइटम हम 750 का सेल कर रहे हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 0.10% का डिस्काउंट भी रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर, तो ये सीजीएसटी आ गया और फिर यहाँ पर एसजीएसटी भी आ जाएगा, तो ये एसजीएसटी भी हमने कर दिया, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। मेंशन चाहे तो आप डाल सकते हैं। अब इसको देखना होगा तो हमको 2 बार क्रिएटिव अप टैली पर आने के बाद 2 बार डी प्रेस करना है। ये आगे डिस्प्ले में ये हमारा परचेज वाला पूरा डिटेल है। ठीक है, और अगर सेल्स वाला डिटेल देखना है तो यहाँ पे सेल्स वाला भी पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टैक्स इनवॉइस प्रिंट हो रहा है, ये प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको कैसा प्रीव्यू आएगा। ये प्रीव्यू देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। इसको जूम करता हूं मैं, ये देखिए ये यहाँ पर डिस्काउंट वाला कॉलम भी शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि कितना कितना परसेंट। अब देखिए यहाँ पर 10.5 के हिसाब से हमने जो लगाया है, ये देखिए ये जो यहाँ पे लगाया है हमने जीएसटी 10.5 के हिसाब से लगाया है। ठीक है, तो वो जीएसटी रेट ज्यादा है यानी टैक्स अमाउंट ज्यादा है, और ऊपर वाले पे जीएसटी रेट यानी टैक्स रेट कम है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात ये समझ में आई होगी कि कैसे कैसे एंट्रीज टैली प्राइम में बनानी है।